जब जनता की रक्षा करने वाले ही उनके भक्षक बन जाएं तो जनता का क्या होगा। कटनी में नशे में धुत पुलिस के सिपाहियों ने स्थानीय टेंट वाले को घसीटकर उसके साथ मारपीट की, जिससे टेंट व्यवसायी बुरी तरह घायल हो गया। घटना के बाद टेंट व्यवसायी संगठनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस या गुंडागर्दी का यह मामला कटनी के खिरनी चौकी का है, जिसमें आरक्षक राकेश सिंह एवं पवन सिंह ने नशे की हालत में रात के 10 बजे टेंट व्यवसायी विनोद जायसवाल की दुकान में घुसे और विनोद को जबरदस्ती थाने ले गए, फिर उसके साथ मारपीट की, जिससे विनोद बुरी तरह घायल हो गया। इस घटना के बाद सभी टेंट वाले एकत्रित हुए। उन्होंने कोतवाली थाने में जाकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंप विधि अनुसार कार्रवाई करने की मांग की है। विनोद जायसवाल ने इस घटना पर अपना बयान देते हुए बताया कि पहले उन्होंने बेटे के साथ मारपीट की थी, जैसे तैसे मामला शांत हुआ, फिर ये पुलिसकर्मी दुकान पे आए और बात करने के बहाने कोतवाली ले गए। वहां पर इन दोनों ने और इनके साथियों ने मारपीट की। वहीं विनोद की पत्नी ने बताया कि पुलिस वाले जबरदस्ती उठाकर थाने ले गए और वहां मारपीट की। मेरा लड़का गया था दाना बनाने, हाँ, घोड़ों के लिए 9:30 बजे जाता है, हाँ, तो वहां पर बना के लौट रहा था, तो जैसे डेहरी में पार करते हैं तो वैसे ही लड़के को पकड़ लिए, चेक करने लगे, बोले तुम लोग नशेड़ी, बोले अब जब उनको दाना बना के जा रहे हैं, वहाँ कोई रहता नहीं है, दाना बनाए अपना सीधा चले आए दुकान, उसकी तलाशी लिए, उसके बाद कुछ नहीं तो उसको मारने लगे पकड़ के, हाँ, उसको पकड़ के मारने लगे तो वो मेरे को फोन लगाया रोते रोते, मैं दौड़ के गया, बोला कहे मारे भाई, किस लिए मारे, बोले कुछ नहीं विनोद भाई, तुमसे बात करनी, बोला क्या बात करनी है, फिर मेरे को इसीलिए आया चौकी साइड, तो कहा सुनने लगी, मतलब धंधे में पुलिस वाले ने दारू पी के उनको मारपीट किए दुकान में दरवाजा बंद करके, ये कोई जायज है? कोई अपने बीवी बच्चा पाल रहा तो ये कोई जायज है? कोई खाना दे देगा किसी के बच्चे को, कोई पाल दे? समाज की रक्षा करने वाले ही धीरे धीरे समाज के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों की गुंडागर्दी की खबरें आए दिन सामने आती हैं, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर ज्ञापन मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक ने कहा उक्त घटना की सूचना उन्हें मिली है, अपराधियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, खिरानी चौकी के प्रधान अधीक्षक पवन एवं आरक्षक राकेश के विरुद्ध विनोद जायसवाल को मारपीट करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है अपने द्वारा, और इस पर कार्रवाई की मांग की, जिस पर से उन्हें आश्वस्त किया गया कि संपूर्ण घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराकर जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करवाई जाएगी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।